से आदमी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। बुजुर्ग होने के बावजूद भी तुम काफी चुस्त लगते हो, जिम में जाते हो क्या? क्या हमें घर ले जाने के लिए आपको टेसरेक्ट चाहिए, पर हमने उसे भेज दिया है पता नहीं कहां। ध्यान से सुनिए भाई, हम सुन रहे हैं। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से? क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? पावर 400% बढ़ा दी गई है, कमाल हुई। लोकी के इरादे को खत्म करने आए हैं हम, तो साबित करो और इस हथौड़े को नीचे रखो। अरे क्या कह रहे हो, हथौड़े से ही तो उसकी औकात है। चलो मस्तूल उठा दो, पाल खोल दो। खोलो, वो आदमी उधर वीडियो गेम खेल रहा है, उसे लगा मैं पता नहीं चलेगा, पर हमें चल गया। इसका मतलब प्रवेश द्वार यानी पोर्टल अपने आप पर नहीं गिरेगा शील की तरह। बुरा मत मानना पहलवान, शानदार पर्सनैलिटी है तुम्हारी। आप जिस तरह साइंस पर नए नए काम कर रहे हैं उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक हरे भरे गुस्सैल राक्षस बन जाते हैं वो तो कमाल ही है। और मैं जानना चाहता हूँ कि लोकी ने इसे इस्तेमाल करके मेरे दो काबिल वैज्ञानिकों को मदारी का बंदर कैसे बनाया। बंदर वो क्या होता है, मैं बताऊं? हे कुछ नहीं हुआ, तुम पागल हो क्या कुशक? कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। अपना कवच पहन लो, हो जाए दो दो हाथ। आप लोग कितने बचकाने हो। अकेले नहीं जाओगे, तुम मुझे कवच तो पहनो, फिर देखते हैं। बुड्ढों पे हाथ उठाने से मुझे शर्म नहीं आती। कवच पहन लो। 2000 years later जल्दी कवच पहनो। हाँ पहनता हूँ। कहो कि तुम मुझसे रहम की भीख मांगने वाले हो। मेरा इरादा तो तुमसे भीख मांगने का। हम विनाश के देवता है बेवकूफ इंसानों, और तुम लोग मुझे इस तरह परेशान नहीं कर। बड़ बोला कहीं का। जीत गए, वाह वाह, अच्छा काम किया दोस्तों। चलो काम पे नहीं आते कल। हाँ।